अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, लाहौरी जोन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। लाहौरी जोन आपके साथ हर उस किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करता है जिससे आप लोगों को फ़ायदा जो है वो हासिल हो सकता है। अगर आप लोग सस्ता मोबाइल जो है उसको ख़रीदना चाहते हैं, या आप लोग कह लें कि नोकिया की जगह के ऊपर या आप लोग क्यों मोबाइल की जगह के ऊपर एक सस्ता मोबाइल चाहते हैं, तो करमी के नाम से एक मोबाइल जो है वो इस वक्त मैंने आप लोगों के सामने लेकर रखा हुआ है। जनाब आप लोग कह लें Q106 मॉडल है इसका, ठीक है। इसके अंदर FM रेडियो भी है, कैमरा भी है, और आप लोग कह लें कि एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, वो भी सस्ती कीमत के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपये के अंदर आप लोगों को ये जो मोबाइल है वो आसानी के साथ मार्केट के अंदर से मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग क्यू मोबाइल का अल्टरनेटिव चाहते हैं कि क्यू मोबाइल की जगह कोई और मोबाइल जो है वो आए, तो आप लोग कह लें कि उसकी जगह वो ये जो मोबाइल है इसको इस्तेमाल जो है वो करें और इससे फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। एक सस्ता मोबाइल है, जो लोग अपने पॉकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रखना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ सिर्फ कॉल चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या कॉल का आंसर देना चाहते हैं, या कॉल को करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सस्ता मोबाइल जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपये के अंदर आप लोगों को ये मोबाइल मिल जाएगा, ठीक है। ये PTA अप्रूव है, इसलिए इसके लिए इशू वाली कोई बात नहीं है, PTA अप्रूव है। और इसके अलावा आप लोग कह लें कि सस्ता तरीन मोबाइल आप लोग इसको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कह सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप लोग छोटा मोबाइल चाहते हैं, पॉकेट मोबाइल चाहते हैं, तो आप लोग ये मोबाइल जो है इसको यूज़ करके इससे फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। मेरा काम है आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना कि आप लोगों को किस चीज़ से फ़ायदा जो है वो हासिल हो सकता है। तो लाहौरी जोन के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह लाहौरी जोन आपके सामने इस किस्म की इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करता रहेगा। 1600 की रेंज के अंदर ये मोबाइल आपको आसानी के साथ दस्तियाब जो है वो हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।